हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग ऑफ पुवेक व्लॉग्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा भिंडी। तो चलिए पहले तो इसको कट कर लेते हैं। पहले तो हमें भिंडी को बीच से एक स्लिट मारना है, बीचों बीच कुछ इस तरीके से, और देखेंगे अंदर कुछ कीड़ा वगैरह तो है नहीं है। सारी भिंडी इसी तरीके से हम काट लेंगे। सो सारी भिंडी अभी काट के हो चुकी है। अभी हम प्रिपेयर करते हैं इसका मसाला। भरवा भिंडी के लिए जो मसाला बनता है, एक कढ़ाई ले लेंगे हम। कढ़ाई में 2 या 3 चम्मच हम कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। फिर ऐड करेंगे तिल, वाइट तिल। इसको अच्छे से भूनने देंगे। जब इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, ब्राउनिश कलर होगा बिल्कुल इस तरीके से, तो हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। इसके साथ हमें और भी मसाले डालने हैं, जैसे कि ये मूंगफली पाउडर है। मैंने ये थोड़ा सा मूंगफली को रोस्ट करके मिक्सर में चला लिया था। सो इसके 2-3 चम्मच हम डालेंगे। फिर नमक, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर एंड लाल मिर्ची पाउडर, जितना आपको तीखा चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। फिर हम गरम मसाला भी ऐड करेंगे। ये जिंजर गार्लिक की पेस्ट है, ऑलमोस्ट मैंने 1 स्पून डाला है। और कुछ इस तरीके से हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। इसका अच्छे से फाइन पाउडर बनने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। आप इस मसाले में थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हो अगर आपको ये ड्राई लग रहा है तो। कुछ इस तरीके से हम अपनी सारी भिंडीज भर लेंगे विद दिस मसाला। सो एकदम अच्छे से फील करिए, नहीं तो वो बाहर आ जाएगा मसाला। और ये लीजिए, मैं और एक भिंडी भर के आपके लिए दिखा रही हूँ। अच्छे से उसे मसाला भर के प्रेस करना है। और ये मसाला भर के हमारा रेडी है। एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और जैसे ही पैन गर्म होता है, हम भिंडीज को अपसाइड डाउन पैन पे अरेंज कर लेंगे और फिर 10 मिनट तक कुक होने देंगे। 10 मिनट के बाद हम सारी भिंडीज को पलट देंगे। एक कुछ अच्छा सा ब्राउन मार्क आना चाहिए। और पलटने के बाद जो बचा हुआ मसाला है वह उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। नाउ अगेन लीड लगा के हम एक 5 मिनट तक पकाएंगे। तो हमारी मसालेदार भरवा भिंडी रेडी है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।